हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल एंड बुक्स जो आपके पास होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन। कैट के अलावा अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल इनमैट, स्नैप, जैट, अब वो एग्जाम्स भी दोगे, ये सारे स्टडी मटेरियल और जो मैं आपको बुक्स बता रही हूँ वो आपको काम आएंगे। सबसे पहले स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, बुक्स के अलावा आपको क्या चीजें चाहिए। सो ट्राई टू फाइंड गुड यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, बिकॉज कितनी भी बुक्स खरीद लो आप, एक बुक एक टीचर की इम्पोर्टेंस नहीं रिप्लेस कर सकती। ट्रस्ट मी, जो एक टीचर जिस तरीके से सिंप्लीफाई करके चीजों को समझा सकता है, उस तरह से चीजें समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो मेक श्योर आप कुछ चैनल्स फिक्स करो अपने वीआरसी क्वांट डीएलआर के लिए, जिस टीचर का आपको समझ आता है। बहुत सारे अच्छे चैनल्स है, पर आपको जिसका समझ आता है वो आपके लिए परफेक्ट है, राइट? सो आप पहले तो वो करो। सेकेंडली, नाउ कमिंग टू बुक्स। सो बुक्स अभी मार्केट में सबसे बेस्ट बुक्स है वो या तो ओसवाल बुक्स है, ओसवाल में 25 ईयर्स जहाँ पे लिखा होगा, अब Amazon में जाओगे अब वो वाली बुक लो। एंड अदरवाइज इफ नॉट ओसवाल, अगर आपको स्ट्रेटजीज भी सीखनी है क्योंकि ओसवाल बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप अरुण शर्मा भी खरीद सकते हैं फॉर क्वांट वीआरसी डीएलआर। पूरा बंडल आता है 3 बुक्स का, यू कैन बाय दैट, जिसमें थ्योरी भी साथ में अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो दीज टू। नाउ सिंस एग्जाम इज ऑनलाइन, राइट, आपका जो एग्जाम है आप कंप्यूटर पे दोगे, तो आपकी वो प्रैक्टिस होनी भी जरूरी है कॉन्स्टेंटली। इसीलिए वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम बुक्स और प्रैक्टिसिंग फ्रॉम बुक्स, इट इज इम्परेटिव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉन्स्टेंटली लाइक हैव सम प्रैक्टिस ऑनलाइन ऑन योर कंप्यूटर एज वेल, ऑन योर लैपटॉप एज वेल। सो वेबसाइट्स लाइक क्रैक यू, 2IM, बोधि प्रेप, आप यहाँ पे इन पे जा सकते हो फॉर फ्री गुड क्वालिटी कैट लेवल क्वेश्चन, ताकि आपको एक ऑनलाइन प्रैक्टिस भी मिले। और मेक श्योर आप ये इस तरह की ऑनलाइन प्रैक्टिस हफ्ते में 2 से 3 बार करो। मैं यहाँ पे मॉक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बेसिक ऑनलाइन प्रैक्टिस बात कर रही हूँ, जो बस क्वेश्चंस अगर आप जो कंप्यूटर पे सॉल्व करते हो तो आपकी एक कंफर्ट लेवल इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि एग्जाम भी पेपर बेस्ड नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपकी वो प्रैक्टिस भी साथ में होनी चाहिए। बुक से वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं चली जाती है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट हैव, दैट इज मॉक्स। आपके पास गुड क्वालिटी मॉक्स होने चाहिए। ऑफकोर्स ये मॉक्स आपको प्रिपरेशन के एंड में ही खरीदने पड़ेंगे, इनिशियली नहीं, तो इनिशियली आपको इस पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, पर मॉक्स आर समथिंग जो आप परचेज करो तो बेटर है, बिकॉज फ्री मॉक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आई हैव बीन सर्चिंग अलॉट ऑफ वेबसाइट्स, बट दे आर जनरली इजियर। मैं आपको अगर बता देती हूँ कि आपको अच्छे मॉक्स कहाँ से मिल सकते हैं, सो करियर लॉन्चर, IMS, टाइम, आप इनके ले सकते हो। अनअकैडमी के मॉक्स भी अच्छे हैं एट द सेम टाइम। अनअकैडमी फ्री मॉक्स भी कंडक्ट करता है, जैसे एग्जाम के 2-3 महीने पहले ना, इट इज अ कॉम्पिटिशन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम पेइंग फॉर द मॉक्स। तो ये 4 मैंने आपको सोर्सेज बता दिए। नाउ नो मैटर हाउ मच और कितने भी आपके पास बुक्स हो या कितना भी अच्छा स्टडी मटेरियल हो, बट अगर आपका डिसिप्लिन, द वे यू आर फॉलोइंग लाइक नो टाइम टेबल, स्टार्टिंग एट राइट टाइम, अगर आप 3 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो, तो कितने भी अच्छे बुक्स हो आपको कितना ही हेल्प कर देंगे, isn't it? कितने भी अच्छे टीचर्स हो कितना ही हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्टिंग एट राइट टाइम, एट पीयर टू पीयर कॉम्पिटिशन की, भाई जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग भी कितने टेस्ट ले रहे हैं, वो भी उनका क्या इंप्रूवमेंट है, क्या स्कोर आ रहा है, लास्ट 2 साल का कट ऑफ क्या रहा है, तो मुझे मतलब कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, ये सारी चीजों का आपको एक आइडिया होना चाहिए एग्जाम के बारे में कि भाई मेरा टारगेट क्या है, मुझे कितने सवाल सही करने, मेरी स्पीड पर क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए, और इस चीज का रेगुलर एनालिसिस, एटलीस्ट वीकली एनालिसिस आपको अपनी प्रिपरेशन में करना है। ट्राई टू स्टार्ट, आई वुड से एटलीस्ट 6 to 8 months बिफोर, 1 year पहले स्टार्ट करते हो तो वेरी वेरी गुड, एटलीस्ट 6 to 8 months तो पहले स्टार्ट करो। सो इफ यू आर कैट 2024 एस्पिरेंट, आप प्लान कर रहे हो, दिस इज द राइट टाइम, प्लीज स्टार्ट करो, ठीक है? अगर आप फ्री में स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा विद मोर एंड मोर डिटेल्स कैसे हमें स्टार्ट करना है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द बुक्स, मॉक, स्टडी मटेरियल, आई रेकमेंडेड यू फ्यू थिंग्स, आपके होने ही चाहिए, आपको पता होना ही चाहिए इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो टेबल्स, टेबल्स तो कोई आपको सिखाएगा नहीं कि 9 2s ये होता है या 15, फॉर एग्जाम्पल 23 5s ये होता है, isn't it? आपको पता होना ही चाहिए टेबल्स टिल 30 फॉर फास्ट कैलकुलेशन। After that, first 100 prime numbers, first 100 के cubes, cube roots and square roots, daily reading habit, daily 10 words नए सीखना, ये आपके एक habit में होना ही चाहिए apart from जिस भी book से आप read कर रहे हो, right? Daily editorials read करना, you must follow all these things. So I hope all these study material, books I recommended in this video will be useful to you, you will be using it and let me know अगर आपके इसके अलावा कोई questions हैं, doubts हैं about study material you are currently using, कोई मॉक्स आप यूज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कौन सा आप प्रेफर करो, कोई कंफ्यूजन है, आप प्लीज पूछ सकते हो इन द चैट बॉक्स, या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम बहुत ही क्विकली आपकी क्वेरीज को आंसर कर देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, सी यू सून, बाय बाय।